हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं नरेंद्र जोशी फिर से आपके सामने एक बार एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव से संबंधित जो एरर्स एग्जाम में आती हैं वो किस प्रकार से आती हैं। देखें यहाँ कुछ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखें, यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइवियल मैटर्स मे प्रूव डिसएडवांटेजियस। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर योर एक एडजेक्टिव आया है, ओवर अपने आप में एक एडजेक्टिव है और डिपेंडेंट ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान ये देना है कि जब ये एडजेक्टिव सारे आए हैं तो किसी नाउन की विशेषता बता रहे होंगे। लेकिन आगे देखें, यहाँ पर कोई नाउन ना आकर एक प्रीपोजिशन आया है। मुझे नाउन की आवश्यकता थी, इसका मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट ना आकर डिपेंडेंस आएगा। डिपेंडेंस अगर मैं यहाँ एक एडजेक्ट नाउन लगा दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। योर ओवर डिपेंडेंस, तुम्हारा जरूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस, निर्भरता, और मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखें दोस्तों, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रेस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंटली लिसनिंग। अब इस सेंटेंस में देखें दोस्तों, हम खुश थे कि ऑडियंस ने रेस्पॉन्ड किया वेल, अच्छे से, एंड गेव और दिया ऑल द स्पीकर्स, सभी स्पीकर्स को ए पेशेंटली लिसनिंग। अब देखें दोस्तों, ए आर्टिकल और यहाँ लिसनिंग नाम का जीरंड आया है जो कि यहाँ पर नाउन बन रहा है। नाउन, अब नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आना चाहिए, जबकि पेशेंटली अपने आप में एडवर्ब है। अगर मैं यहाँ पर पेशेंटली की जगह पेशेंट कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एल वाई हटा दिया और मैंने इसको पेशेंट कर दिया। अगला देखें दोस्तों, ही वॉज डिलाइटेड बाई द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम। ठीक है, ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था बाई द इंटेलिजेंट से और ब्राइटनेस से। अब देखें दोस्तों, बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम जानते हैं नाउन आता है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया और उसको एक एंड कंजंक्शन के द्वारा ब्राइटनेस नाम के नाउन से जोड़ा गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ नाउन है तो यहाँ पर भी एक नाउन ही होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो मैं अगर इंटेलिजेंट को हटाकर यहाँ इंटेलिजेंस कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाउन की जरूरत थी मुझे। अगला देखें दोस्तों, मोहित हैज़ बीन बोथ ए डिसऑनेस्टली पर्सन एंड ए गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। मोहित दोनों रहा है ए डिसऑनेस्टली पर्सन और गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर मोहित की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो पर्सन जो नाउन है उसकी विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ अभी जो आया है वो एक एडवर्ब आया है, एडवर्ब मुझे चाहिए नहीं, हटा दिया मैंने। और अगर मैं यहाँ पर डिसऑनेस्ट कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव चाहिए था। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेड हिम वेरी अनपॉपुलर अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। अब देखें, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, अब देखें डिसिप्लिन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, जबकि स्ट्रिक्टली इन ए स्ट्रिक्ट मैनर ये एडवर्ब बनाता है। मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो मैंने यहाँ कर दिया स्ट्रिक्ट। अब देखें दोस्तों, हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने उसको बना दिया बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखें दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हिज गुड क्वालिटीज़ इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। उसकी गुड क्वालिटीज़ इंक्लूड करती हैं उसकी एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। डिसीजंस की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव्स आने चाहिए, एडजेक्टिव सेकंड तो ये है, इसका मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव होना चाहिए था जबकि अभी एडवर्ब है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्विक कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंस इट इज़ टू गिव अवे टू द नीडी वॉट एवर यू पसेस इन एक्सेस। अब इस सेंटेंस में देखें दोस्तों, यहाँ पर यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट आएगा। अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया, एडजेक्टिव दे दिया मैंने। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ए फ्यू वर्ड ऑफ फोर्टिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। कुछ वर्ड्स फोर्टिट्यूड के इनफ हैं एक्सप्रेस करने के लिए योर फीलिंग्स, तुम्हारी फीलिंग्स सिंसियरली। अब देखें यहाँ पर ए फ्यू है, अब देखें ए फ्यू प्लूरल के साथ काम में करता है, प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल, जबकि वर्ड अभी क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड्स कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अ फ्यू वर्ड्स।
कुछ वर्ड्स फोर्टिट्यूड के। अगला सेंटेंस देखें, इफ़ यू लुक अप टी इन ए कुकरी बुक यू मे फाइंड ए लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि तुम चाय को देखते हो, मतलब चाय बनाने से रिलेटेड चीज़ें, कहाँ, कुकरी बुक में, यू मे फाइंड, तुम फाइंड करोगे ए लिटिल इंस्ट्रक्शंस, ए लिटिल मतलब बहुत कम मात्रा में, कहने का मतलब लिटिल, ए लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन कम मात्रा में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। लेकिन देखिए इंस्ट्रक्शंस तो काउंटेबल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, संख्या की बात कर रहा है। जब संख्या की बात करते हैं तो हम लिटिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर फ्यू कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर चाय को आप देखते हो कुकरी बुक में, तुम पा सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस पा सकते हो जो कि ना के बराबर हेल्प करते हैं तुम्हें सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अगला देखें सेंटेंस, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वॉयज। कैप्टन ने डिक्लेयर किया कि उसके जो शिप था वो ले गया था 300 पैसेंजर से कम नहीं। अब देखें 300 पैसेंजर्स, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर लेस का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो लेस होता है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस और लीस्ट कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, लिटिल की। और लिटिल संख्या की बात नहीं करता है, मात्रा की बात करता है। तो यहाँ पर हम मात्रा की बात नहीं करना चाहते, हम संख्या की बात करना चाहते हैं। तो संख्या के लिए जो सीरीज होती है वो होती है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो यहाँ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर आ जाएगी। अगर लेस की जगह मैं यहाँ पर फ्यूअर कर दूँ तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने सेकंड्स में एरर्स निकाल ली। अगर आप भी इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम दे सकते हैं, जिससे मैं आगे भी उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज आपको बना पाऊँ। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।